करेगी सकीना दे दी कह रही सर जल्दी ले लो नहीं तो दे नहीं पाऊंगी पीरियड शुरू होने वाले जागो कौन पहले जागो
अरुष, ये अलीगढ़ में कोई सोर्स चाहिए तो किससे बात करना है? वहाँ के पीटीआई कॉरेस्पॉन्डेंट से। नंबर है? क्यों चाहिए? अरे स्टोरी पे थोड़ा बात करना है। तुम्हारा काम है स्टोरी सिलेक्ट करना, उसे लिखना नहीं। नंबर प्लीज। Look, all I'm trying to say is that you may be clearing the slums for the games, but then you're creating dumping grounds somewhere else in the city, right? I want to talk. नहीं नहीं सर जी प्लीज, हम ना यहाँ किसी का नाम खराब करने नहीं बैठे। You've got enough people at your end doing that for you. No, thank you very much for your time. Thank you. What's all, you're looking really pretty in this. Maska bang, get to the point. I have a breaking story. उसके लिए मेरा कॉन्वर्सेशन ब्रेक करना जरूरी था। लिसन ना, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कुछ टीवी जर्नलिस्ट एक प्रोफेसर का घर में जबरदस्ती घुस गए एंड दे फिल्मड हैविंग सेक्स विद रिक्शा पुलिस। ओके, अर्पित को दे दो, ही इज गुड विद सेक्स स्कैंडल्स। तो तुम्हें ये सेक्स स्कैंडल लगता है? वो यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया। तो तुम्हें ये क्या लगता है? लाइक इट्स अ ह्यूमन स्टोरी या माय बीट। दीपू, तुम्हें आए सिर्फ 4 महीने हुए हैं। ओके, यू हैव गॉट टू क्लाइंब द वायर जस्ट लाइक एवरीवन एल्स। आई वाज अ टॉप इन माय कॉलेज यार। I got scholarship for journalism. Deepu, please, Sonali ko de do. I need someone with experience on this. Sonali, I think she's 12th. Deepu, stop being a drama queen. I'll do it better. Just one. Deepu, jaake kaam karo, mujhe kaam karne. Namita. It's horrible, sorry. Thank you. हाँ मैं सुखान हूँ, सुखम तेने अमे रुमासम अम्मे ना विम शरी बाय। तुम मोटर ऑन करना भूल गए। क्या? सॉरी, थोड़ा लेट आया मैं। 10 PM मोटर हैज टू बी ऑन, नहीं तो पानी नहीं आएगा। कल सुबह 7 बजे फिर ऑन करना। I'm so caught up in the madness and I'm waking up in a cold sweat. प्रोफेसर सिराज, मैं हूं, दरवाजा खोलो। कौन है? कौन? श्रीधरन।
बस बैठो बैठो। मच्छरों ने इतना काटा रात भर, सो नहीं पाया। चाय चलेगी? नहीं, चाय की जरूरत नहीं, लेट हो जाएगी। लेटर लिख दिया? लेकिन क्यों लिखूं? उस रात को जो भी हुआ था, जो भी हुआ सो हुआ, इट्स पास्ट। आगे की सोचो, लेटर लिख दो। क्या लिखूं? यही कि उस रात को जो भी हुआ उसके लिए तुम शर्मिंदा हो, दैट्स इट। Envelope लो। ओके। कैसे एनवेलप देते? मैं ले लेता हूँ, घर पे हैं। और एक बात, सीरज, बाहर के माहौल बहुत खराब है, कैंपस से थोड़े दिन के लिए दूर रहना। सुना तुमने ना, कैंपस से दूर रहना। परछाइयां हर तरफ
Good morning, Deepu. This isn't a hammock. It's my desk. Feedback do. Mana kiya to nahi doge kya? Tumhari article story se zyada kisi gay rights protest ka script lagta hai. Too bad your opinion has never mattered. Karan, get your feet off my desk. Namita. Namita. I need convinced to go to earlier. दीपू एडिटर के सैंक्शन के बिना मैं तुम्हें नहीं भेज सकती यू नो हाउ दिस थिंग्स समिता प्लीज आई रियली नीड दिस डू दिस फॉर मी प्लीज शी लुकिंग सो प्रीटी इन दिस साड़ी अगेन से समथिंग इन रिसर्च और समथिंग प्लीज अच्छा वाला बोला था मैंने कार से चलते नहीं कार अलाउंस है अगर बाइक से हो जाए तो अच्छा ना बचा हुआ पैसे का बियर पिएंगे Excuse me. Professor Sinas को मिलना था। वो यहाँ नहीं आते। कब से? जब से वो कांड हुआ है। एक बार आए थे अपने सामान लेकर चले गए। तो अभी किधर मिलेंगे? पता नहीं। इन्हें कुछ नहीं पता। ये डिपार्टमेंट इतना काली क्यों है? मराठी और मलयालम को कौन पूछता है? मुश्किल से 2-3 स्टूडेंट आते हैं साल में। प्रोफेसर्स तो बस नाम के हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर ये प्रोफेसर श्रीधरन किधर मिलेंगे? आई एम श्रीधरन। हेलो सर, आई एम दीपू सेबास्टियन फ्रॉम इंडियन पोस्ट न्यूज़पेपर। सो प्रोफेसर सिरास के बारे में 2 मिनट्स बात करना था, एक स्टोरी कर रहा हूं। आई हैव नो टाइम सर। सर 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 ओनली 2 मिनट्स सर। आपको लगता है उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए? आई डोंट वांट टू टॉक टू द मीडिया। प्लीज मैं उनका हेल्प करना चाहता हूं। आप उनको हेल्प नहीं करो तो अच्छा है, मैटर ऑलरेडी पहाड़ बन चुका है। बट सर, ये जो 2 लोग जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया उनका ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, डोंट यू थिंक प्रोफेसर सिरास को फंसाया जा रहा है? देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप उनके पीछे मत पड़िए, नहीं तो इस सोसाइटी में उनको जगह नहीं मिलेगी। प्लीज अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी, सॉरी। थैंक यू सर। ये मिलने का मन है, इधर का मटन करी खाएंगे, बहुत अच्छी सुना। कंगला पैसे तू ही भरेगा? ऑफ कोर्स तू ही भरेगा। दीपू स्माइल। 3-3 लोग लगे रखा है, लगता तेरा सिरस भाग गया। नहीं नहीं, लाइट्स होना, देखना तो क्या हुआ, ट्यूब जला के भाग गया वो।
इधर ही कहीं है वो। I'm sorry, scared. डेढ़ घंटे से मैं यहाँ बैठूं, डेढ़ घंटे से मैं बैठा हूँ, मेरा नंबर क्यों नहीं आया? आपने नाम लिखवाया था नर्स के पास? हाँ? फिर तो कल आइए आप, क्योंकि नर्स भी जा चुकी है। अरे लेकिन आई थिंक माय बीपी इज हाई। डेने में भी इतनी ठंडी नहीं हुई, इधर ज्यादा ठंडी है। आज कुछ ठंड कम आया, आज कम हमारी वैसी नहीं है। पानी पीछे डॉक्टर डॉक्टर ठीक है सर। पूरे दोपहर धूप में था, मंडे आई डू ग्रोसरी शॉपिंग ना, मस्ट बी अ लिटिल बिट ऑफ सन स्ट्रोक। नहीं आज धूप थोड़ी ज्यादा ही थी आज। विच ईयर? विच ईयर? मैं इधर का नहीं सर, मैं दिल्ली का। डी यू हमारे यूनिवर्सिटी से अच्छा कैंपस कहीं नहीं मिलेगा, नंबर 3 इन इंडिया। या वेरी नाइस कैंपस। अब खुद ही खाना बनाते हैं सर। बैचलर है बाबा। ये इन लोगों ने अच्छा नहीं किया सर आपके साथ। किसने? किसने? नहीं यूनिवर्सिटी में। कौन है? मेरे साथ ही है सर, मैं इंडियन पोस्ट न्यूज पेपर से सर 5 मिनट्स आपसे थोड़ा बात करूँ। ये जो आपके साथ किया ये अच्छा नहीं किया सर। जर्नलिस्ट आया है तू? फ्रॉम इंडियन पोस्ट न्यूज पेपर सर, दीप सदस्य। 5 मिनट्स का सर। सर बास्टर्ड। सर तू फ्रॉड आदमी है। सर मैं फ्रॉड इतना आने का नहीं है सर, मस्ती नहीं मांगता मेरे को। मैं संकेत का जोखा नहीं गया इधर।
अपना पीछे डाल ले इस कैमरा। मुझे क्या आंखें दिखा रहा है? वहां तो मुझे चाय वाले पे छोड़ के भाग गया, मुझे क्या मालूम था तू खुद झूठ बोल के उसके पीछे पड़ गया। कम से कम उनका फीलिंग समझता हूं मैं, तो तुम लोग तरह बिका हुआ नहीं हूं मैं। प्लीज सेल्फिश पीपल, यहाँ क्यों है? इधर से दिल्ली का बस मिल जाएगा डायरेक्ट। चल मैं कल फिर से ट्राई करूँगा, चल ना आई विल सी यू इन दिल्ली। अरे सुन थोड़ा पैसा देना, देता हूँ। ठीक है देता हूँ। हद है यार कमलापंती की। I'll see you day after. Thank you. आठ तारीख की रात को जो वाकया हुआ उसकी वजह से प्रोफेसर श्रीनिवास सिरास को यूनिवर्सिटी चार्जशीट कर रही है। उनका इमोरल कंडक्ट एयू के टीचर के लिए खास तौर से नामुनासिब। प्रोफेसर सिरास को आज एक लीगल नोटिस भेजा जाएगा और उनको अपने अलॉटेड क्वार्टर 21 मेडिकल कॉलोनी को 7 दिन में खाली करना होगा। सर क्या आप बता सकते हैं प्रोफेसर के साथ दूसरा शख्स कौन था? सर ये दो लोग जिन्होंने वीडियो टेप बनाई उनका क्या हुआ? आई मीन उनका अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ? नहीं। बट क्यों? क्योंकि वो हमारे एम्प्लॉयज नहीं है। बट इजंट इट ट्रू कि ये जो वीडियो टेप बनाया गया ये प्रोफेसर सिराज का परमिशन का बिना बनाया गया? देखिए आपको बोला है किस तरीके के सवाल? जर्नलिस्ट होकर मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो? तुम्हारे कैमरास कहीं भी परमिशन लेकर घुसते हैं क्या? और याद रखिए यहां मसला कैमरास का नहीं है, उन पे पाए गए कंटेंट का है। आखिर इस टेप को लीक करने के पीछे मकसद क्या है आपका? फिर भी आप वेल डन। जो सवाल आपने उठाए वो शायद कोई और रिपोर्टर नहीं उठा पा। इट्स माय जॉब। डू आई नो यू? ताहिर इस्लाम, फिलॉसफी डिपार्टमेंट। दीपू सेबेस्टियन फ्रॉम इंडियन पोस्ट न्यूज़पेपर। सिरास इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। I'm glad उनका इधर कोई फ्रेंड भी है। ऐसा कैसे बिजली काट सकते हैं आप? इसमें साफ साफ लिखा है मुझे 7 दिन मिले। सिर्फ 4 घंटे ही बिजली मिलेगी आपको, 7 से 11 बजे तक। जब तक ऑक्यूपेंसी है आप बिजली नहीं काट सकते। मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा। तो जाइए पुलिस थाना जाइए। हो गया? थोड़ा चाय पानी ले लो, 2-4 दिन बाद काट लेना। कितने बजे से कितने बजे तक बोला? बोला ना 7 से 11। मेरे वालिद एयू में प्रोफेसर थे, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ा हूँ, बट आई केम बैक हियर टू टीच बिकॉज ऑफ व्हाट दिस यूनिवर्सिटी स्टूड फॉर। व्हाट एग्जैक्टली डिड इट स्टैंड फॉर? मुगल रूल के बाद इंडिया की मुस्लिम सोच को अगर किसी ने बदला तो वो थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। इट इम्पार्टेड अ साइंटिफिक एंड प्रोग्रेसिव वर्ल्ड व्यू टू इंडियन मुस्लिम्स एंड ऑफ कोर्स इट वाज द नर्सरी फॉर फ्रीडम फाइटर्स। मगर गम ये है कि आज मैं ये अल्फाज एयू के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। व्हाई?
आज इसके जर्रे जर्रे में राजनीति भरी हुई है। एक जमाने में जो डिफरेंसेस डिबेट्स के जरिए सुलझाए जाते थे वो आज खून खराबे में उलझ रहे हैं। You think Professor Siraj is a victim of internal politics? Oh yes, definitely. उनके साथ बहुत बदतमीजी हुई है। Sugar? क्या बात है? सर इसका बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर सकते हैं? क्या हुआ था? देखो, I want to help Siraj and I'll do what I can. But I can't rock the boat too much. It's okay. Thank you. Hello, sir. Deepu Sebastian, from the Islam ne baat kiya. And sorry for the other day, sir. Kya ho? मीटर में कुछ प्रॉब्लम है? बिजली रिकनेक्ट कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी ने कनेक्शन काट दिया। ये हुआ आपका मीटर? नहीं, पड़ोसी का है, बाहर गया है। ऐसे नहीं होगा था, तुम वायरिंग का बाहर है। मैं ट्राई करूँ? आप थोड़ा पीछे जाइए सर। नहीं, वो अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो थोड़ा क्या हुआ? मजाक करो सर, हो गया, डन, बंद करो, ये ले लो। लोग हैं? नहीं। श्योर? है। थैंक यू। चीयर्स। सर, मैं ये नहीं जानना चाहता कि उस रात क्या हुआ था। नो, इट्स नॉट ऑफ माय बिजनेस ऑफ कोर्स, पर मैं ये जरूर जानता हूँ कि उन लोगों को ऐसा जबरदस्ती आपके घर में घुसने का हक नहीं था। मेरे खिलाफ साजिश थी। एयू की? एयू के कुछ लोगों की। सब चलते हैं मुझसे। Why? देखो, मैं यहां बाहर का आदमी समझा जाता हूं, एन आउटसाइडर। उर्दू बोलने वाले शहर में मराठी सिखाता हूं, शादीशुदा लोगों के बीच अकेला रहता हूं, उसके बावजूद मुझे लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दिया। पता है, आज सुबह जब इन लोगों ने मेरी बिजली काटी तो मैंने सोचा यूनिवर्सिटी के क्लॉक टावर से जाके जंप लगा दूं, पर मैं रुक गया। अच्छा हुआ रुक गया। अच्छा हुआ। नाउ आई कैन ड्रिंक। Do you mind if I record this? No. Okay, thank you. आप कुछ कह रहे थे सर? जनवरी लास्ट में यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे धमकी दी थी कि वो ज्यादा दिन तक मुझे चेयरमैन के पद पर नहीं टिकने देगा, और एक हफ्ते के बाद ये घटना घट गई। आप गए इसलिए? मुझे ये शब्द का मतलब समझ नहीं आता बाबा। तो आप नहीं है सर? कोई मेरी फीलिंग को तीन अक्षरों में कैसे समझ सकता है?
कविता की तरह से भावात्मक एक तीव्र इच्छा जो आपके काबू से बाहर होती है, एन अनकंट्रोलेबल अर्ज। बताओ किन किन पोएट को पढ़ाया तुमने? पोएट? अयो पोएट तो ज्यादा कुछ नहीं, टेंशन वेंशन तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है मुझे, इतना शब्दों का इतना केला सब ऐसा ऊपर से जाता है। पोएट्री शब्दों में कहाँ होती है बाबा, कविता शब्दों के अंतराल में मिलती है, साइलेंसेस में, पॉजेस में, फिर लोग अपने अपने हिसाब से अपना अर्थ निकालते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एज मैच्योरिटी। अंडरस्टैंड? आपका वो जो किताब है वो ग्रास अंडर माय फीट में बहुत ढूंढा मैंने, कहीं ना। नेचुरली आजकल कविता खरीदता कौन है? और तुम्हारे जनरेशन के लोगों को तो पोएट्री की समझ ही नहीं है, वो हर चीज को किसी न किसी लेबल से चिपकाना चाहते हैं। फैंटास्टिक, फैबुलस, सुपर, सुपर, कूल, ऑसम, सर फिर आपने एयू क्यों ज्वाइन किया? आई लव एयू। नो आई मीन इधर तो ऐसे मराठी का कोई डिमांड नहीं हुआ है। आई गॉट वेरी मच रिस्पेक्ट हियर। नाउ सी, महाराष्ट्र स्टेट में सैकड़ों मराठी टीचर हैं, बट इन अलीगढ़ देयर इज ओनली वन प्रोफेसर एस आर सीरस। ओनली वन? या ओनली वन। सर वो थोड़ा उस रात के बारे में बात कर सकते हैं? वो लोग जो अंदर घुसा, हम जानते थे उनको? तो अंदर कैसे घुसा? पता नहीं। You think they broke in? या आपने दरवाजा खुला छोड़ा? Please talk to me, sir. You have to help me to help you. Please, sir. मैं और मेरा दोस्त यहाँ इस बेडरूम में थे, दो लोग अंदर घुसे, एक के हाथ में कैमरा था, एक के हाथ में डंडा, दोनों हम पर कूद पड़े, डंडे से मार रहे थे, खासकर मेरे फ्रेंड को। मुझे कपड़े भी नहीं पहनने दिए उन्होंने, दे टुक ऑफ माय क्लोथ्स। रिक्वेस्ट करता रहा कि वो उसे ना मारे, तभी अचानक दरवाजे से मेरे चार कोलीग्स अंदर घुसे मेरे बेडरूम में। वो लोग इधर क्या कर रहे थे? Am I drunk?
not yet. Then I'll have one more. My book, Paya Khali Hirwad, Grass Under My Feet. कभी पोएट्री पढ़ने का मन हुआ तो थैंक यू सर. तो मराठी लगता है? ट्रांसलेटेड वर्जन है मेरे पास, बट इट इज टू मच बैडली डन. सोचता हूँ ट्रांसलेट कर दूँ कभी खुद ही. तो मुझे वो वाला कॉपी दीजिए सर. नहीं, सुविनेर. थैंक यू. इन दैट केस कैन आई गेट एन ऑटोग्राफ? नहीं नहीं, मैं अपने पेन से करूंगा. मैं साइंड कॉपी. लव एस आर ठीक है. परफेक्ट. ओके, आई टेक योर लीव सर. संभल के जाना. यस, बहुत रात हो गई. प्लेजर मीटिंग यू. आई सी यू सून. गुड नाइट. गुड नाइट. मैंने मोटर ऑन कर दिया है. The story has got nothing to do with. This story has got nothing to do with him being gay or straight. The question is, छह लोग उनका परमिशन के बिना उनका घर में घुसा कैसे? On 2nd July 2009, Delhi High Court declared Section 377. As unconstitutional, Professor Siraj का suspension और charge sheeting, judiciary के फैसले पर जबरदस्त तमाचा है. आज हम सब लोगों को मिलकर उस suspension को challenge करना है. भारत के इतिहास में पहली बार कानून हमारे साथ है. Justice for देखिए मिस्टर सिराज, अगर आप AU के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो हम तहे दिल से आपका साथ देंगे. आपको शायद पता नहीं लेकिन आपका केस बहुत स्ट्रांग है सेक्शन 377 के अमेंडमेंट की वजह से. सॉरी सर, मुझे एक्टिविज्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है. मिस्टर सिराज, ये एक्टिविज्म नहीं है, ये हकों के लिए लड़ना है. लेट मी शो यू समथिंग सर. देखिए ये सिग्नेचर कैंपेन देखिए. ऑलरेडी 30,000 लोग आपके सपोर्ट में इसमें सिग्नेचर कर चुके हैं. आपने वकील विजय ग्रोवर का नाम तो सुना होगा जिन्होंने 377 के खिलाफ आर्ग्यू किया था. इस केस में वो आपको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. अच्छा सिराज, तुम कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से तुम्हारा सस्पेंशन रिवोक कर देंगे? You have to fight it out, Mr. Siraj.
क्या करना होगा मुझे? हमें पेटिशन में लिखना होगा कि आप गए हैं सर। जी, पेटिशन में लिखना कि आप गए हैं। यू बी ऑल राइट? डू वी हैव योर परमिशन? नो 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 प्लीज, ये सामान रखिए, बैग रखिए, बैग रखिए प्लीज़। एक मिनट सर, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी, आप अपना पुराना मकान छोड़ते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए ना सर, प्लीज। जाने दो बाबा, प्लीज सर, चलो प्लीज सर, शॉर्ट शॉर्ट। ये किताबें लेके जाओ। With 377 was, nobody could speak up. If you said you were gay, then you were directly seen as a criminal. I applaud your courage. I know it's not easy here. No, sir. You are the courageous one. You're fighting for yourself. Sir, you are the courageous one. I don't think he's gay. He's not a gay. He's not a gay, नहीं बोलते. सिर्फ इसके कहते हैं इसके टाइम्स एशिया हायर एजुकेशन बॉडी के अनुसार इंडियन यूनिवर्सिटीज में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नंबर 3 रैंक पर आती है। जाहिर सी बात है कि ऐसी प्रसिद्ध प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अपने रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट होंगे। मिस्टर सिरास ने ना सिर्फ इन नियमों का उल्लंघन किया है बल्कि ही हैज ऑल्सो वायलेटेड द वेरी मॉरल कोड ऑफ हिज एम्प्लॉयज। यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस के अंदर इस घिनौने व्यवहार की वजह से इन्होंने शिक्षक कौम की छवि को कलंकित किया है। यहाँ विक्टिम मिस्टर सरास नहीं, यहाँ विक्टिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है क्योंकि कलंक यूनिवर्सिटी पर लगा है। मिस्टर सरास को सस्पेंड करके
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपने नियमों का पालन किया है और नियमों का पालन करना कोई गलत तो नहीं है। थैंक यू। थैंक यू योर लॉर्डशिप। आपने कहा कि एयू ने सिर्फ अपने नियमों का पालन किया है, अपने नियम, भारत के संविधान के नियम नहीं। आप शायद भूल रही हैं कि इन द कोर्ट वी आर्ग्यू विद इन लेजिस्लेचर्स एंड लॉज। आर्टिकल 21 क्लियरली स्टेट्स एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज एंटाइटल्ड टू द राइट टू प्राइवेसी एंड डिग्निटी, यानी देश के हर एक नागरिक को समान रूप से एकता और मर्यादा का हक है। 8 फरवरी की रात को मेरे क्लाइंट से उनका ये संवैधानिक हक छीना गया। कुछ लोग बलपूर्वक उनके घर में घुसे और जबरदस्ती उनके प्राइवेट मोमेंट्स में उन्हें फिल्म किया। जब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स प्रॉक्टर जुबैर खान, डिप्टी प्रॉक्टर फिरोज मजीद, पीआरओ शादाब कुरेशी और मीडिया एडवाइजर एके मुर्तजा वहां पहुंचे तो वो इस उल्लंघन को रोक सकते थे योर लॉर्डशिप, मगर यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स ने उन रिपोर्टर्स को रिप्रिमांड करने के बजाय मेरे ही क्लाइंट को परेशान किया, उन्हें और बेइज्जत किया। और अगले रोज बिना किसी इंक्वायरी के एयू ने प्रोफेसर सिरस को सस्पेंड कर दिया, उन्हें अपील का मौका दिए बगैर उन्हें चार्जशीट कर दिया। इन्हें घर खाली करने के लिए सिर्फ 7 दिन का मौका मिला, जिस दौरान इनके घर की इलेक्ट्रिक सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी गई। योर लॉर्डशिप, मेरे क्लाइंट एक 64 वर्षीय सीनियर सिटीजन है, 3 महीने बचे थे इनके रिटायर होने में। बड़ी बेरहमी से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मेरे क्लाइंट के संवैधानिक हक उनसे छीने हैं। हम ऑनरेबल कोर्ट से अपील करते हैं कि प्रोफेसर सिरस का सस्पेंशन रिवोक किया जाए और इनका मकान 21 मेडिकल कॉलोनी इन्हें इमीडिएटली लौटा दिया जाए। थैंक यू लॉर्डशिप। सर अभी आ रही है, स्टूडियो से आवाज आ रही है। ओके या ओके ओके वी आर रेडी टू गो। या ओके गुड लक। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया फाइट्स बैक। A professor of Aligarh University on the verge of retirement has been fired for being gay. This new controversy has reignited the homosexuality debate on the university campus, and both students and teachers stand divided. We have with us tonight Professor Siraz. Professor, क्या आपको इसलिए suspend किया गया क्योंकि आप gay हैं? मैं बड़ा disturbed हूँ कि इतने साल की सर्विस के बाद मेरी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कदम उठाया। I am very much upset. Those people entered my house without my... Society requires punishment when there is an offense. Nobody should be allowed to devalue your system. This is not a case of gay or... This is purely moral. Teacher kaum ka farz banta hai ki padhai ke saath saath wo apne students ko moral values bhi sikhaye. Agar hamara hi koi teacher in values ka ulangan kare, to ye acceptable nahi hai. फारूक अंसारी साहब, आप बताइए किसी के पर्सनल लाइफ से आपका क्या लेना देना? कोई इंसान अपने शादी के बाहर शारीरिक संबंध रखे, इस्लाम इसके सख्त खिलाफ है। अल्लाह ने इंसान को इसलिए बनाया है कि वो अपनी छवि आगे बढ़ाए। इस किस्म की आदतों को अगर बढ़ावा दिया गया तो इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। कल को हर कोई समलैंगिक संबंध रखना चाहेगा। हेलो, आदतों का लत लगना इंस्टिंक्ट माना जाता है क्या? इन चीजों से इंसान की रूह तबाह हो जाती है। आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में होमोसेक्सुअलिटी अभी भी गुनाह है। देखिए देखिए, ये होना चाहिए नहीं। हम अक्सर बताइए मिस्टर कुरैशी, प्रॉक्टर और मैं पास के गेस्ट हाउस में डिनर कर रहे थे। खबर मिली कि मेडिकल कॉलोनी में कोई शूटिंग चल रही थी। अब पीआरओ होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि कैंपस में शूटिंग हो तो मैं वहां पर मौजूद रहूं। मैंने डिप्टी प्रॉक्टर डॉक्टर मजीद और मीडिया एडवाइजर प्रोफेसर मुर्तजा को फोन करके मेडिकल कॉलोनी बुला लिया था। जब आप वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा? मैंने देखा कि सिराज और उसका पार्टनर बिस्तर में बैठे हुए थे। सिराज अपने चड्डी बनियान में था और उन रिपोर्टर से माफी मांग रहा था। मैंने फौरन वीडियो टेप देखने की मांग की और जो कुछ मैंने देखा वो नहायत ही अश्लील और शर्मनाक था। ऐसा क्या देखा आपने? इट वॉज एम्बेरेसिंग। ही हैड बीन एंगेज्ड इन एन इमोरल एक्ट विद द रिक्शा वाला।
So was it sexual in nature? Homosexual. होमोसेक्सुअलिटी को प्रैक्टिस करना वो भी यूनिवर्सिटी प्रमाइसेस के अंदर हराम माना जाता है. उनका सस्पेंशन एयू के रूल्स के अनुसार हुआ है. थैंक यू. नो मोर क्वेश्चंस प्लीज. मिस्टर कुरैशी, उस रात आप और प्रॉक्टर उस पास वाले गेस्ट हाउस में क्या कर रहे थे? जी, अभी मैंने बताया कि हम लोग डिनर कर रहे थे. सिर्फ डिनर कर रहे थे? आप दोनों वहां अकेले थे? आपकी पत्नियां कहां थी? क्या मतलब? मतलब क्या वो जानती थीं कि आप दोनों गेस्ट हाउस में अकेले हैं? ये किस तरह का सवाल है? नहीं, दो लोग एक सुनसान गेस्ट हाउस, कुछ भी हो सकता है. आई ऑब्जेक्ट. सस्टेन्ड. मिस्टर कुरैशी, आपको कैसे पता चला कि 21 मेडिकल कॉलोनी में कुछ लोग फिल्मिंग कर रहे हैं? इट वॉज एन एनोनिमस फोन कॉल. एनोनिमस फोन कॉल, कन्वीनियंट. क्या उन लोगों के पास परमिशन थी शूटिंग करने के लिए? जी नहीं. तो जब आपने उनको बिना परमिशन के शूट करते देखा तो क्या आपने कोई एक्शन लिया? डिड यू कॉल द पुलिस? जी नहीं. क्यों नहीं बुलाई आपने पुलिस? जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि सिराज रिपोर्टर से माफी मांग रहा था. वो शर्मिंदा था, उसने खुद अपनी गलती. That's all right, but why didn't you call the police? क्योंकि वो बिना परमिशन के शूट कर रहा है. लेकिन सिराज भी पुलिस बुला सकता था, लेकिन उसने नहीं बुलाया. उसे देखकर कोई शक नहीं था कि he was guilty. क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि उन रिपोर्टर्स के आक्रामक व्यवहार की वजह से प्रोफेसर सिराज भयभीत हो गए थे? इसीलिए तो मैंने वीडियो टेप देखने की मांग की थी. उसमें तो नहीं लग रहे थे भयभीत. आपने उन रिपोर्टर्स को दूसरे कमरे में क्यों बुलाया? उस वक्त प्राइवेट कॉन्वर्सेशन करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैंने उनसे विनती की थी खुद कि उस टेप को एयर ना करें. मैं नहीं चाहता था कि यूनिवर्सिटी का रिपोर्टेशन खराब. रियली? टाइम्स, हेरल्ड, डेली, इस घटना के दो दिन बाद से ही आप हर न्यूज़पेपर को अपना इंटरव्यू दे रहे थे. क्या उस दौरान आपको यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन की चिंता नहीं थी? मिस्टर प्रोसिक्यूशन यहां पर एक अजीब तरह से कोर्ट को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट्स नॉट ट्रू. दैट इज ट्रू. मसला यहां पर यह नहीं है कि मेरे क्लाइंट वहां कैसे पहुंचे. मसला यहां पर मिस्टर सिराज के ग्रोस मिसकंडक्ट का है. और वैसे भी हम यहां पर उनकी बेगुनाही का भाषण क्यों सुना रहे हैं? When he has already accepted. That's not true. That is true. This is just. Can I just show something to you? Allow me. This is a letter that was written by him. It is signed by him and it has been addressed to the Vice Chancellor of the University. I'm sorry, Your Lordship, iski copy hamare paas nahi hai. Main abhi aapko copy deti hu, Mr. Grover. Please. Is letter mein unhone saaf ye accept kiya hai ki wo galat hai. Tumne wo letter kyun likha? Shirhan ke kehne pe wo bahut koshish kiya usne VC se pardon ki baat karne ki. हमारे दोस्त हैं जी, उनसे बात करनी होगी. दिस लेटर डजंट लुक गुड, यू नीड टू डिपोज. ट्राई करता हूं. देखो सिरस, हमारे घर का कोई भी मेंबर आज तक पुलिस स्टेशन या कोर्ट नहीं गए. हमारा नाम कीचड़ में मत उछालो प्लीज. श्रीधरन, बुरा मुझे भी लग रहा है, लेकिन वो लोग उस लेटर को मेरे ही अगेंस्ट यूज कर रहे हैं. किसने कहा कोर्ट जाने को? मैंने कहा था ना कि ये मामला अपने आप 2 महीने के अंदर ठंडा हो जाएगा. What else I could do, Shuddha? अब ये मैटर पब्लिक इश्यू बन चुका है सिरस. सॉरी, अभी तुम्हें इसे अकेले भुगतना पड़ेगा. खाना रेडी है. ठीक है.
संडे का कुछ प्रोग्राम। हेलो आंटी, संडे का कुछ प्रोग्राम। आज तुम जल्दी कैसे आ गए? वो काम जल्दी खत्म हो गया आंटी। कभी जा रही हो? कौन से सिग्नल कॉल? क्या हो रही है? अरे तुम जल्दी आ गए आज। तो नहीं आ सकते मेरा डायरेक्ट। किसका बच्चा है? क्या हो रहा है? ट्यूशन चल रहा है। और किसका परमिशन से? तुम्हारा परमिशन नहीं चाहिए। अभी आंटी से बात करता हूँ। आंटी, आंटी, ये मैगी मेरी रूम में ट्यूशन पढ़ा रही है। तो वो मेरी रूम है। अरे मेरा तेरा क्या, सब घर एक है। तो एक है तो अपनी रूम में पढ़ाओ ना। अरे तुम्हारा कमरा खाली रहता था, देर में तुम आते थे, इसलिए मैंने वहां ट्यूशन करा दिया। और अब मैं क्या करूं? कपड़ा चेंज करना है मुझे, किधर जाऊं? अरे फोड़ों के तेरे तो वैसे ही रहते हो, जाओ जाओ अपना काम करो। गिर गया, सॉरी। ये आजकल के लड़के अपने को पता नहीं क्या समझते हैं। दीपू, दीपू ऑफिस में सो गया क्या? उत्कर्ष का मेल देखा? क्या है? उत्कर्ष का मेल देखा? क्या? सिरस का वीडियो रिक्शे वाले के साथ, देखना। कॉन्फ्रेंस रूम में चल। हाँ? कॉन्फ्रेंस रूम में चल। मालूम है इधर इरफान नाम का लड़का रहता है, वो रिक्शा चला, पतला सा है सर। पता नहीं आपको ये पता है इरफान किधर रहता है? इरफान, इरफान किधर रहता है? यही रहता है। है क्या घर पे? नहीं। किधर गया? उसे पुलिस ने बहुत मारा और उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया। कोई एड्रेस एड्रेस वगैरह कुछ है? मुझे परेशान मत करिए बाबा। नहीं परेशान नहीं कर रहा हूँ। जाइए जाइए यहाँ से। तुमने थोड़ा बस बात नहीं, मैं बोल रही हूँ ना, जाइए जाइए आप। प्लीज नंबर एड्रेस कुछ है तो अगर। मैंने बोला ना मुझे कुछ नहीं मालूम, जाओ इधर से। सलीम बेटा सलीम। हाँ खाला। प्लीज मैं हेल्प कर। सलीम ये परेशान कर रहा है, कब से देखो। नहीं मैं जान गया। बोलो तू। नहीं मैं बात के बारे में क्यों बात कर रहा है? किधर से आया? किधर से आया? किधर से आया? कौन लोग? कौन? किधर से? बात कर रहा है? बात कर रहा है? सर, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। मुझे बताया कि कोई विजिटर आया है मिलने। आई वाज थिंकिंग हु दिस पर्सन इज। नो सर, मैं इधर से क्रॉस कर रहा था एंड आई गॉट नो कि आप भी इधर हैं, बट मिलना चाहिए आपसे। लाहौर से क्रॉस कर रहे थे? नो एक्चुअली आपका केस चल रहा है, इट्स बीन टू लॉन्ग, आई मस्ट कम एंड सी यू। एक्चुअली I was going to have lunch. Will you join me? Yeah, of course. As long as you're paying for it. Sure, sure, sure. No, I'm kidding, sir. Of course.
ये चोट कैसे लगी? ये चाहे वो वर्ल्ड वॉर वन का टाइम पे जर्मन्स के साथ. वेरी फनी यार. अब डाल नहीं ले रहे? नहीं नहीं थोड़ा. नहीं 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 बिल्कुल. क्यों? तुम्हारा हाथ लग गया ना बाबा. सो दिस इज नॉन वेज. वी आर ब्राह्मिन्स. यो सॉरी सर, आई डिडंट नो. नो इट्स ओके. ये धर्म वगैरह ज्यादा समझ नहीं आता मुझे. धर्म समझने वाली चीज नहीं है. जहां दिमाग लगाया आस्था गई. आस्था देखा था. समझ आया. समझ आया ना? कोर्ट कैसा चल रहा? आर यू टेकिंग माई इंटरव्यू दीपू? नो 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 सर, आई जस्ट कम टू मीट यू. वेरी बोरिंग. कंटाल जाते रे बाबा. मेरे वडील वकील थे. कौन? मेरे बाबा. तो मैं ये सेक्शन पिटिशन आर्गुमेंट्स यही सुन सुन के बड़ा हुआ. तब मुझे नहीं समझ में आती. अब भी नहीं समझ में आती. I can imagine. लोग के साथ मेरी भी बहुत स्ट्रेंज रिलेशनशिप है. अच्छा. जब मैं छोटा था ना सबके साथ बहस करता था. सब लोग कहते थे लॉयर बनेगा. फिर मैंने लॉ का एग्जाम भी दिया स्कूल के बाद. क्लियर भी हो गया था. बट फॉर्चुनेटली मैं अपना माइंड चेंज किया. बट डैड जो 1,00,000 रुपये दिया था एंट्रेंस फीस का उसका लेके सुनाते हैं आज भी. डैड्स आर द सेम रियली. अभी खुश हैं तुम्हारे काम से? तो डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या फॉरेन जाके पैसा कमाओ, और कोई खुशी नहीं. आपका फैमिली में कौन कौन है? दो भाई हैं नागपुर में. बात होता है उनसे? हमारी बनती नहीं है. 30 साल से अलग है ना, पर उनके बच्चे बहुत क्लोज हैं मेरे. चिल्ड्रेन डोंट जज यू. फैमिली ने कभी ऐसा प्रेशर नहीं किया? नो मीन लाइक छोटे शहर में ऐसा बहुत होता है ना, एक एज के बाद मैरिज के लिए बोलता है. मैंने शादी की थी. शादी की थी? जब प्रोफेसर की नौकरी लगी थी तब मेरे साथ अलीगढ़ भी आई थी वो, पर बात बनी नहीं. Because of your sexual preference? नहीं, उसकी वजह से नहीं. Then? मैं अपने किताबों लता मंगेशकर में ही उलझा रहता था. मेरे से बोर होके वो चली गई. सच सच बताओ ये चोट कैसी लगी तुम्हें? चोट? एक्चुअली मैं जमालपुर गया था इरफान से मिलने. उधर का एनवायरनमेंट बहुत खराब है सर. इरफान भी रहता नहीं है उधर, भाग गया. लोग बता रहे थे पुलिस ने बहुत मारा है इरफान को. गरीब आदमी को क्यों सता रहे हैं? यू थिंक इरफान भी मिला हुआ था? मतलब? नहीं, आपका दरवाजे को कोई डैमेज नहीं हुआ बाहर से, तो अंदर से खोला होगा किसी? शायद मैंने ही ठीक से बंद नहीं किया था.
तीन लैचेस हैं आपका डोर, तीनों को बंद करना भूलिए। सर आई एम सॉरी बट आपको ये इरफान का बात करने में कंफर्टेबल होना होगा, अदरवाइज ये लोग बहुत परेशान करेंगे आपको। आठ महीने से ही जानता था मैं उसको, मेरी उम्र में अक्सर लोग अकेलापन महसूस करते हैं। Was he your lover? तुम लोग ये शब्द के पीछे क्यों पड़े जाते हो? कभी लव को भी समझने की कोशिश किया करो। It's a beautiful word. You are making it sound like a dirty word. I have a problem with this. So no, you're looking very good. No. You're a very good looking man. Oh God. Thank you. All right, sir. Milta hai next time. Aapka case jeetne ke baad. Thank you for coming. It was an honor, sir. Good night. Dibu. मेरी किताब सर मराठी में आप भी एक ही वर्ड आते मराठी नहीं नहीं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है कोर्ट में कुछ करने को नहीं था तो सोचा ट्रांसलेट ही कर दूं वाह थैंक यू सो मच सर इंग्लिश इज नॉट एज गुड एज यू पीपल्स इंग्लिश नो थैंक यू प्रवीण Welcome. Good night. Oh, beloved moon, fear not the dawn that separates us, for we will meet again when the world goes to sleep. In the light of day, I am unseen. It is in your light my heart awakens. We will dance as shadows dance to the songs of nightingales. We will touch as shadows touch, becoming one in the midnight sun. Oh, beloved moon, fear not the dawn that separates us, for we will meet again when the world goes to sleep. लगता है किससे
मुझे मालूम ही नहीं हुआ कि मेरे फ्लैट में दो लोग ऑलरेडी घुस चुके थे। उन्होंने अपने आप को न्यूज़ 100 चैनल का बताया, वो हम पर कूद पड़े और डंडे से मारना शुरू कर दिया, खासकर इर्फ मेरे फ्रेंड को। मुझे तो कपड़े भी पहनने नहीं दिए। मैंने उनसे पूछा वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनमें से एक ने कहा कंप्लेंट आई है, फैमिली सोसाइटी में ऐसा गंदा कांड करते हो। और फिर उन्होंने अलग कोने में ले जाके खड़ा करके अजीब अजीब पोज में हमारी फोटो निकाली। मैं हाथ जोड़कर उनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि वो लोग रुक जाएं, और तभी दरवाज़ा खुला और यूनिवर्सिटी के मेरे चार कोलीग मेरे बेडरूम में घुस आए। क्या आप ऑनरेबल कोर्ट को अपने कलीग्स के नाम बता सकते हैं? जी, यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर डॉक्टर जुबैर खान, डिप्टी प्रॉक्टर डॉक्टर फिरोज मजीद, यूनिवर्सिटी के पीआरओ डॉक्टर शादाब कुरैशी, प्रोफेसर एके मुर्तजा। मैं इनको देखकर चौंक गया, क्योंकि मैंने ना तो फोन किया था ना मैंने किसी से मदद मांगी थी। प्रोफेसर सिरस, आपने उनको फोन करके नहीं बुलाया? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। वो लोग वहीं खड़े होकर मुझे घूरते रह गए और उन्होंने मेरे कपड़े भी नहीं लौटाए। फिर वो मीडिया वालों को लेकर अलग कमरे में चले गए, वहाँ उनके साथ कुछ बातचीत हुई, फिर मीडिया वाले वहाँ से चले गए। फिर शादाब कुरैशी बाहर आए और मैंने डॉक्टर कुरैशी से विनंती की कि वो इस बात को आगे ना बढ़ाएं, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो टेप उनके पास है और वो पब्लिक को नहीं दिखाएंगे। पर अगले दिन हर लोकल न्यूज़पेपर में ये कहानी छाप दी मेरी फोटो के साथ। और फिर मुझे सस्पेंड कर दिया। मिस्टर सिरस, ये रिक्शा वाला आपका क्या लगता था? मैंने पूछा, ये रिक्शा वाला आपका क्या लगता था? मेरा फ्रेंड था। फ्रेंड था? आप कोर्ट को बताएंगे कि आपका उसके साथ क्या संबंध था? आई ऑब्जेक्ट योर लॉर्डशिप, इसका इस केस के साथ। चलिए ठीक है, मैं कोई और सवाल पूछ लेती हूँ। आप इतने सीनियर प्रोफेसर हैं मिस्टर सिरस, आपका एक लोअर क्लास मुस्लिम के साथ मेल जोल, मतलब ये किस तरह की दोस्ती है? हम लोग म्यूजिक सुनते थे। म्यूजिक सुनते थे और क्या करते थे? पिक्चर देखते थे। पिक्चर देखते थे और आप उसको पैसे देते थे सेक्स करने के लिए? लॉर्डशिप, उसी सवाल को घुमा फिरा कर पूछ रही है, सिर्फ सेक्स की बात करना चाहती है। चलिए ओके, आई विल चेंज माय क्वेश्चन। आपकी उम्र क्या है? 63, 64 इज योर एज, राइट? इस उम्र में भी आप सेक्स करने की शक्ति रखते हैं? सर, लॉर्डशिप, इस तरह के सवालों का अनुमति नहीं दी जा सकती। आई थिंक, बताइए सर। आई थिंक यू कैन नॉट जस्ट, मुझे इस बारे में बात नहीं। अरे बात कैसे नहीं करनी है आपको? आपने इल्जाम लगाया इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पर, कुछ सवालों के जवाब तो आपको देने पड़ेंगे। बट आई विल चेंज माय क्वेश्चन। ये बताइए, आप दोनों के बीच में मर्द कौन था? व्हाट इज शी टॉकिंग अबाउट योर लॉर्डशिप? आपको कमरा खाली करना है अभी के अभी। क्यों? यहाँ बैचलर लोग अलाउड नहीं है। और ये आपके एजेंट ने क्या बोला? क्या आप शादीशुदा है? वो झूठ बोलता है। नहीं नहीं, मैं शादीशुदा ही है, मतलब शादीशुदा था, मतलब है, मतलब उसको तो हुआ। परिवार कहाँ है? आप परिवार है कहाँ? मतलब परिवार, मेरा फैमिली नागपुर में है और मैं इधर रहता है। परिवार ले आना तब यहाँ रहना। अभी आप सामान निकालें और बाहर करें। बाहर क्यों करें? क्यों, बाकी लोग परिवार वाले रहते हैं तो। हाँ। मैं क्या यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम दिया है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं दिया, लेकिन झूठ बोला। परिवार है यहाँ पर?
और दूसरे यहाँ पर झूठ बोला तू तुम सिक्योरिटी लिया कि नहीं लिया डिपॉजिट लिया मुझसे लिया रजिस्ट्रेशन का पैसा लिया कि नहीं लिया फिर क्यों लिया कमरे के लिए फिर मैं कमरे में रहता हूँ मैं मुझे इससे मतलब नहीं है यहाँ सब परिवार वाले लोग रहते हैं और बैचलर आदमी नहीं चाहिए तो बैचलर आदमी क्या टेररिस्ट होता है अरे होता होगा आप कमरा खाली कीजिए कमरा क्या खाली कीजिए तुझे हाइला समझता है क्या है तुम अपने आप को कहीं तेरी राड़ा क्या ला कोई त्रास दिया तेरे को समझता क्या तुम क्या बोल रहे हो सिक्योरिटी का पैसा क्यों लिया तुम ऐसे लिया रजिस्ट्रेशन का पैसा क्यों लिया तुम लिया लिया क्यों लिया चोर अरे इसलिए लिया कि तुम्हें कमरा दिया तुमका तुम्हारा कमरा ही है हाँ हमारा कमरा है ये कमरे में रहो क्या बात है बंद करो इसको क्या देख रहे हो तुम लोग लेकिन यहाँ का एटमोस्फेयर बहुत अच्छा है बस पास में ही स्टेनलेस स्टील की फैक्ट्री है जहाँ ताले बहुत अच्छे मिलते हैं कितने ताले लगेंगे सर दो ताले तो लगा ही लीजिएगा क्योंकि आजकल का एटमोस्फेयर अच्छा नहीं है मकान मालिक से बात की हाँ मकान मालिक तो ज़्यादातर बाहर ही रहता है बस थोड़ा गैस का ख्याल रखिए ज़्यादा लोग ना आए यहीं रोक मैं हाँ थोड़ा आगे ले लो थोड़ा आगे ले लो देखिए सर मकान ठीक है ना सर देखिए एकदम वेल मेंटेन है सर ये चाबी आप और सर वो रजिस्ट्रेशन चाबी एक साल से पहले मकान खाली नहीं करूंगा, तभी दूंगा सर मेरी गारंटी है सर एक साल से पहले आपसे मकान मालिक भी नहीं खाली करा पाएगा सर अपने बच्चे की कसम हाँ मेरे बच्चे की कसम सर वो सामान डालो बनता है कि वो अपने मेंबर्स को फिल्टर करे जहां आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं क्या वहां आप हर तरह के लोगों को रहने देंगे नहीं मिस्टर सिरास ने शादीशुदा होने का नाटक करके अपने पड़ोसियों की आंखों में धूल झोंकी और जब उन पड़ोसियों को पता चला कि रात बिरात गैर मर्द इनके घर पर आ रहे हैं तो उन्होंने कंप्लेन की इस तरह की अनैतिक बातों का प्रभाव उनके बच्चों पर क्यों पड़े क्या प्रोफेसर सिरस अपना बिजनेस बाहर खेल के मैदान में कंडक्ट कर रहे थे ये लोग इनके घर में क्यों झांक रहे थे व्हाट बिजनेस डू नेबर्स हैव लुकिंग इनटू समवनस बेडरूम और हम किसकी नैतिकता की बात कर रहे हैं योर लॉर्डशिप क्योंकि नैतिकता की परिभाषा हर एक के लिए अलग होती है जो लोग शाकाहारी हैं वो मांस खाने वाले को अनैतिक समझते हैं जो लोग शादीशुदा हैं वो डिवोर्स लेने वाले को अनैतिक समझ सकते हैं नैतिकता की सीमा क्या है अगर कोई किसी के नैतिक दायरे के बाहर चला जाए तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए क्योंकि अगर ऐसा है तो देश के हर एक शख्स को किसी न किसी के नैतिक दायरे के उल्लंघन के जुर्म में जेल में होना चाहिए हम यहां पर किसी एक व्यक्ति की मोरालिटी की बात नहीं कर रहे हैं मिस्टर ग्रोवर हम यहां पर बात कर रहे हैं 175 साल पुरानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की सामूहिक नैतिकता आई अंडरस्टैंड कलेक्टिव मोरालिटी मैं अपने लर्नर फ्रेंड को बताना चाहूंगा कि किसी संस्था को किसी की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं होता आई वुड लाइक द ऑनरेबल जज टू रेफर टू दिल्ली हाई कोर्ट हिस्टोरिक जुलाई 2009 जजमेंट इन द नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया था उसमें भी विपक्ष का प्रमुख मुद्दा था मोरालिटी हमने आर्ग्यू किया था कि नैतिकता की संवैधानिक सीमा होना बहुत जरूरी है इट मस्ट हैव कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस क्योंकि अगर इसे हम अस्पष्ट छोड़ दें लोग निजी फायदे के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं 10 साल लगे मगर उस लड़ाई को हमने जीत लिया होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज करते हुए डिवीजन बेंच ने कहा था इफ देयर इज वन कॉन्स्टिट्यूशनल टेनेट विच कैन बी सेट टू बी द अंडरलाइंग थीम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज दैट ऑफ इंक्लूसिवनेस क्षमा चाहती हूं मिस्टर ग्रोवर लेकिन जिस सेक्शन 377 के अमेंडमेंट की आप बात कर रहे हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में लागू होता है और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है यहां आज भी होमोसेक्सुअलिटी गुनाह है इट इज अ क्राइम आई एम वेरी सॉरी दैट माय लर्नड फ्रेंड डजंट रियलाइज कि भारतीय संविधान सबके लिए समान है दिल्ली का हो या इलाहाबाद का देश के किसी भी हाई कोर्ट का ऑर्डर इंडिया के हर एक स्टेट में लागू होता है जब तक कि उस स्टेट के हाई कोर्ट में उसे चैलेंज और ओवर रूल ना किया जाए Therefore, the Delhi High Court order decriminalizing homosexuality
is binding on this court too. Thank you, Roger. Namaskar, sir. Hey, namaskar. Professor Siras, meet Mehmood Naqvi, a very well-known artist from Delhi. That's Abhilash Tripathi. Abhilash ji ek bahut hi jane mane aur prasiddh kavi hai. And that's Patni Sharma, the lawyer. Na tum satya ho, na main satya hoon. Na jeet mein hai satya, na haar mein satya hai. Na aarambh mein satya hai, na ant mein. Satya to satat sangharsh mein. Kyunki oh, beloved moon, fear not the dawn that separates us. For we must meet again when the world sleeps. Ye to meri kavita hai. Yes, wow. Oh, maine aapki kitab padhi thi. Badi mushkil se mili. It's very difficult. Very difficult to get it. Waise aapko translation kaisa laga? अंग्रेजी अच्छी नहीं थी. हिंदी का लॉयर हूँ जनाब. ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी पिटीशन पे साइन करके आपको सपोर्ट किया था. मराठी ओके. मैं मजहर पुन बसले का, मैं मजहर पुन आज पहाटे श्री रंगा ने, आज पहाटे श्री रंगा ने मजला पुरते लूट लेगा. आज सुबह सुबह कृष्ण ने आके मुझे पूरा ही लूट लिया. साखर झोपे मध्येच अलगद, साखर झोपे मध्येच अलगद प्राजक्ता सम टिप लेगा. फिर कमरे में तू कौन ले जाएगा? आप छोड़ दो. बहुत लेट हो गया. नहीं, I'm all right. तुम्हारा घर नहीं है क्या? Not really. Wanna have a drink? अभी? इधर. अरे यार, तुम सवाल बहुत करते हो. चलो चलो. सो क्या बात है? परेशान रहते हो, रात को घर नहीं जाते. नहीं, वो पीजी में रहते हुए थोड़ा तंग आ गया.
ये तुम्हारे प्रोबेशन का आखिरी महीना है ना? हाँ या सो शायद नेक्स्ट मंथ अपना मकान रेंट कर पाऊँ. साउथ एक्स, साउथ एक्स में अच्छा रीसेंट सा कुछ मिल जाएगा ना? नहीं एक्चुअली घर पे थोड़ा पैसा भेजना पड़ता है. अच्छन से पूरा लोन, डैड से पूरा लोन लिया. तो डैड से ही तो लिया था, दो तीन महीने बाद दे देना, व्हाट डिफरेंस, डैड ही तो है. वो कोई आ गया तो? कोई नहीं आता, इसलिए तो मैं आती हूँ. यहाँ कैमराज भी नहीं है, कोई नहीं देखेगा. हैव अ सिप, यू विल फील मोर रिलैक्स्ड. नहीं, वो मेरा एडिटर है नमिता, उसको मालूम चला तो गुस्सा होगी. ये तुम्हारी एडिटर है ना नमिता, बड़ी बोरिंग है यार. नो रियली, शी डजंट हैव अ लाइफ. 24 घंटे ये ऑफिस में ही रहती है. दैट्स ट्रू. सो गो फॉर इट. थैंक यू. ओके गाइस, क्या हुआ? Have you? You've never been with a woman before?
another great day for gay rights in India. The Allahabad High Court rules in favor of Professor Srinivas Sira. AU will have to pay. Hey, good job, buddy. Thank you, Anuj. You won, man. Party? सस्ते में थोड़ी छोड़ूंगी। आदिपु, करण दिस इज दी। Congratulations, Deepu. Great job on Siras. Thank you so much, sir. Pleasure meeting you. Actually, I should thank Namita. Just take a compliment, no? अभी खत्म नहीं हुआ। We still have to break an exclusive with Siras. Sure. This is front page material. Absolutely. Yeah, of course. Lovely jacket, sir. अच्छा दीपू, you're no more on the wire. What? जाके काम करियो। Tell me अभी कब आपका next story कब करना है? एक मिनट, TV का volume थोड़ा कम करो। Yeah, yeah, sure, sure. Yes sir, तो अभी university कब join कर रहे हैं? जैसे ही court का order पहुंच जाएगा university में। कब पहुंच रहे? कल सुबह मेरा भांजा गया है इलाहाबाद उसे लेने के लिए। नाइस। तो अभी सर आगे नेक्स्ट स्पॉट क्या प्लान है? आगे सोचता हूँ रिटायरमेंट के बाद अमेरिका चला जाऊं, मेरे जैसे लोग वहां इज्जत से रह सकते हैं। प्लीज डोंट से दैट सर, इधर भी आपका बहुत रिस्पेक्ट है। ओके दीपू, मैं तुम्हें फोन पर इंटरव्यू नहीं करने दूंगा। मस्ट कम एंड मीट मी। श्योर, ऑफ कोर्स सर, व्हेनेवर यू से। कल आ जाऊं? नहीं, परसों मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिस में मिलते हैं। श्योर, डन। तो परसों आपका डिपार्टमेंट में पार्टी करते हैं, सेलिब्रेट। बहुत नींद आ रही है, फोन रखता हूँ, सॉरी। यस श्योर सर, टेक केयर, गुड नाइट। यू आर अ गुड बॉय दीपू। गुड नाइट सर। कहीं जा रहे हो? या रूम खाली कर दिए। यू हैव टू गिव नोटिस। अभी दी ना आंटी, कुछ प्रॉब्लम हुई तो। सॉरी। अच्छा सुनो,
मोटर चालू कर दिया ना? ठीक है, थैंक यू। क्या इच्छा? उम्र उम्र कितना? 20 साल। घर में कौन कौन है आपके? 2 बेटियां और है। बेटा, सरकार की तरफ से कोई आया अभी आपसे बात करना? कोई नहीं आया। पुलिस का कुछ? पुलिस से कुछ आया? कुछ नहीं। अब ध्यान रखिए थोड़ा इसको। आपका नाम क्या है? आपका नाम सुनीता। दीपू, और ये जो एक मैसेज है, और ये जो आपका बेटा है, अलीगढ़ से है। क्या करना? ऐसा कैसे हो गया? वो बात तो करना चाहिए था ना मुझसे। इतना मैं उनको फोन किया, तो बोलना तो चाहिए ना एक बार। भीम, भीम कि कोई बात नहीं, थोड़ा स्ट्रांग रहिए, कोई बात नहीं। Thank you.
Thank you.